हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुंडार। हमारा अब तक इस क्लास के अंदर 12th क्लास के अंदर मैथमेटिक्स के 3rd चैप्टर के 7 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा 8th लेक्चर है। प्रोडक्ट पर ही डिपेंड एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, कैसे आ सकता है? इफ ए इक्वल टू, यदि हमें गिवन हो कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, और हमसे पूछे ए स्क्वेयर क्या होगा इसका। ए स्क्वेयर का मतलब होता है ए इंटू ए। ए मैट्रिक्स लिखो, ए सेकेंड भी ए मैट्रिक्स लिखो, क्योंकि हम ए स्क्वेयर को ए इंटू ए लिख सकते हैं। इस ए की वैल्यू हमने रख दी, सेकेंड ए की वैल्यू हम अब रखेंगे। कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ये भी हमारी मैट्रिक्स 2x2 की है, ये भी हमारी मैट्रिक्स 2x2 की है, तो इसकी प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे। वैसे भी हमसे ए स्क्वेयर पूछा है, तो यानी कि प्रोडक्ट तो इसकी होगी। फर्स्ट रो चलेगी, पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो कोस 2 थीटा कोस 2 थीटा के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो कोस स्क्वेयर 2 थीटा। ये प्लस का है, ये माइनस का, तो माइनस आएगा। इसकी प्रोडक्ट साइन स्क्वेयर 2 थीटा। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, अब इसके साथ होगी प्रोडक्ट कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा, प्लस में साइन 2 थीटा कोस थीटा, ये हो गई। इसके इसकी ये माइनस का और ये प्लस का। अब सेकंड रो चलेगी फर्स्ट कॉलम के साथ, माइनस साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा, इसके इसकी माइनस कोस 2 थीटा साइन 2 थीटा। अब यही रो सेकंड कॉलम के साथ चलेगी, तो माइनस ये हो जाएगा हमारा साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा के प्रोडक्ट साइन स्क्वेयर 2 थीटा। कोस 2 थीटा की प्रोडक्ट कोस 2 थीटा के साथ कोस स्क्वेयर 2 थीटा, ये हमारा आ गया। ये हमारी प्रोडक्ट आ गई ए क्रॉस ए की। लेकिन +1 के अंदर हम फॉर्मूला जानते थे, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? कोस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। यदि यहां पर थीटा है तो इधर थीटा का डबल हो जाता है, तो यानी कि ये +1 का हमारा जो फॉर्मूला कोस 2 थीटा की, ये यहां पर लगेगा और यहां पर लगेगा, क्योंकि ये भी तो कोस स्क्वेयर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वेयर 2 थीटा है, ये तो सेम ही है। ये माइनस का इसमें आगे लिख रखा है, इसमें ये पीछे लिख रखा है, तो यानी कि ये वैल्यू क्या बनी हमारी, कॉस 4 थीटा होगी, क्योंकि यहां पर 2 थीटा है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 थीटा का डबल यानी कि 4 थीटा। अब ये देखिए, ये दोनों एक से हैं, साइन 2 थीटा साइन 2 थीटा, कोस थीटा कोस 2 थीटा आएगा, दोनों सेम हैं, तो ये क्या हो गया, 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा। इन दोनों में माइनस कॉमन, ये सेम फिर हो गए, 2 साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा।
ये हमारा कोस 4 थीटा है। अब एक रिजल्ट और था हमारा 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता था? sin 2 थीटा होता था। यानी कि यहां पर जो थीटा है उधर क्या बन जाता है? डबल। तो ये हमारा क्या बन जाएगा यहां से? cos 4 थीटा sin 4 थीटा, ये माइनस का sin 4 थीटा और ये हमारा cos 4 थीटा। ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई? ए क्रॉस ए की। यही हमने फाइंड आउट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ ए कोई गिवन मैट्रिक्स हो, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ये 2x2 के में क्या गिवन है के मैट्रिक्स ए स्क्वायर, सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी गिवन है। हमें ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी गिवन है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 आएगा। अब देखिए ये हमें गिवन है तो इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, इधर ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी गिवन है, ए इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। इधर ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करें, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। इधर क्या करेंगे? अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इक्वल टू 1 0 0 1। अब हमें इधर प्रोडक्ट करनी है, फर्स्ट रो चलेगी फर्स्ट कॉलम के साथ, अल्फा और अल्फा की गुणा अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा गामा, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ हो चुकी। अब सेकंड कॉलम के साथ ये क्या आएगा? अल्फा बीटा माइनस, इसकी इसकी प्रोडक्ट भी क्या होगी? अल्फा बीटा, इसकी और इसकी प्रोडक्ट गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, इसकी इसकी प्रोडक्ट बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 0 0 1। अब देखिए अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कैंसिल, 0 बचेगा, यहां भी 0 बचेगा, तो यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0, इसे भी ऐसे ही लिखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 0 0 1। ये तो 0 0 के इक्वल है, ये 0 0 इक्वल है, तो ये दोनों सेम है, तो एक इक्वल लिख दे। इसलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आज हमने ये दो अलग टाइप के क्वेश्चन किए थे, और अनदर टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।